तो चलिए हम लोग आ गए हैं ताराचंडी। तो आज का इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि ताराचंडी अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो उस समय किस तरह का यहाँ पर माहौल होता है। और देखिए, ये आगे पीछे आपको दुकानें देखने को मिलेंगी जहाँ से आप प्रसाद से लेके चुनरी से वगैरह से लेके और यहाँ पर आते हैं, तो आपको यहाँ पे इस तरह की चीज़ें, जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा, ये हम लोग के फैमिली के लोग हैं जो हम लोग आए हुए हैं, और फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर इसके बाद दुकान ख़त्म हो जाता है। तो इधर आपको देखेंगे तो खूबसूरत ये सजावट किया गया है, लाइटिंग सही किया गया है, छोटे छोटे मंदिर। और देखिए भीड़ कितनी है, क्योंकि नवरात्र का समय चलता है तो यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होता है। और यहाँ पर आपको हर तरफ एकदम नज़ारे देख सकते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा है अभी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सर्दी हुआ है। तो और ये जूही जी, तो यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा है। हम लोग अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं यहाँ पे घूमने हुए, और चूँकि नवरात्र का समय है और इधर से आदमी नज़दीक में सासाराम पड़ता है, वहाँ पर अगर कुछ देखने आए तो यहाँ पर भी आ सकते हैं आप। तो यहाँ पर नारियल फोड़ने का जगह था, और इधर आप देखिए कि छोटे छोटे मूर्ति लगाए हुए हैं, अच्छे थे। और अब ये जो है, ये एक मंदिर है। यहाँ पे आपको आगे देखिएगा तो भीड़ बहुत ज़्यादा, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के कि लाइन कितनी बड़ी लगी हुई है। और तब तक ये देख लीजिए मूर्ति, कितना अच्छा अच्छा मूर्ति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे मुझे शानदार बात ये लगी कि जो आपको लाइटिंग है यहाँ पर सही किया गया, और यहाँ पर नौ देवी का अवतार मुझे लगता है कि है मुझे, और ये ताराचंडी का परिसर और बहुत खूबसूरत परिसर। और ये मंदिर का उस दूसरे तरफ से जो आपको बोल सकते हैं कि एक दरवाज़ा था, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पीने का पानी है। और देखिए भीड़ कितनी है। सबसे बड़ी ये है कि ये मैं आपको फिर से बता दूं कि ये बिहार में ताराचंडी धाम है, ये वहाँ का नज़ारा है, नवरात्र का समय का नज़ारा है। तो अगर आप इस जगह को नहीं घूमे हैं, देखें हैं, तो एक बार ज़रूर है, अच्छा जगह है। मतलब एक बार बोल सकते हैं कि घूमने लायक, तो मतलब ठीक है कुल मिला के। लेकिन आपको एक, अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव करते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। आपको तीर्थ यात्रा जैसा चीज़, एक छोटा सा जगह, ये भी आप बोल सकते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि भीड़ कितनी है, और आप देख सकते हैं कि भीड़ आपको देखने को बहुत अच्छा खासा मिलेगी, क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है और इसी समय भीड़ ज़्यादा आपको मिलती है। ये देखिए पूरा भीड़। देखिए ये लाइन देखिए कितना लगा हुआ है, ये मंदिर परिसर है आगे, ठीक है, उसमें जाने के लिए ये कितनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। और इधर आपको छोटे छोटे दुकान मिलेंगे, आपको अनाउंसमेंट वाला जगह मिलेगा, यहाँ पर आप फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं, अपना खिंचा के आप निकलवा सकते हैं। जो कि हर जगह, मतलब ऐसा जगह पर जहाँ लोग घूमने जाते हैं, आपको देखने को ऐसा चीज़ मिलेगा कि लोग फ़ोटो आपको निकालते हैं और आप वहाँ से फ़ोटो निकलवा सकते हैं। और हालांकि रेट इन लोग का एज़ कम्पेयर टू हम बाहर जाएं तो उससे ज़्यादा होता है, और डेफिनेटली क्योंकि इनको भी मंदिर को कुछ पैसा देना होता है, तो ये आपको ऐसा देखने। और यहाँ पर थोड़ा हवन हो रहा था तो हमने सोचा कि यहाँ पर आके देख लिया था कि हवन किस प्रकार से, लेकिन हम ज़्यादा देर रुके नहीं और फिर हमने वापस की ओर चलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं कि क्या कहाँ पर क्या है। क्योंकि ताराचंडी धाम तो मैं आया हुआ हूँ, लेकिन मंदिर परिसर में मैं उतना मतलब घूमा नहीं हूँ, मैं बाहर से ही सिर्फ काम, और ये हमारे घर के लोग थे। और मंदिर परिसर में, हाँ मैं बोल रहा था कि मंदिर परिसर में मैं ज़्यादा घूमा नहीं हूँ। और ये लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ पर पुलिस के जवान भी है जो अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो और ऐसे तरीके से सब कुछ हो। और सबसे ज़्यादा मुझे, मैं मतलब ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं ज़्यादा पूजा करती हैं, इसलिए यहाँ पर महिलाओं का भीड़ ज़्यादा देखेंगे एज़ कम्पेयर टू मेल, लेकिन ऐसा कम है। और यहाँ पर देखिए पानी से नहाते हुए, ये थोड़ा बैक डोर में बोल सकते हैं या आप पीछे बोल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं ये सीढ़ी से, देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। और ये एक दीपक घर हम लोग को देखने को मिला,
यहाँ पर कि सिर्फ दिए जलाए जाते हैं, बहुत सारे दिए यहाँ पर हमेशा जलते रहते हैं, और घी ये जो पंडित जी हैं या जो भी हैं ये लोग घी डालते रहते हैं जितना घी आता है इस दिए में। तो पता नहीं ये आखिर क्या है, दीपक घर में ऐसा क्या चीज़ है, क्या यहाँ पर मान्यता है, हमको पता नहीं है। और ये छोटा सा बहुत छोटा सा मंदिर है बगल में, मतलब दीपक घर के बगल में है, और दीप घर के बगल में सॉरी। और इसके बाद हमने सोचा है ऊपर चलने का, तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर में अब क्या आपको देखने को मिलता है। ऊपर में तो है कुछ नहीं मुझे ऐसा लगता है, बट ये आप देखिए ऊपर से नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा है जो नीचे है। और हालांकि चलते हैं ऊपर, ऊपर भी मंदिर है, और ये नंगा बाबा जिसको बोलते हैं, ये अपना पैसा गिन रहे थे यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा बट गिन रहे थे तो मैं क्या बताऊँ। और ये देखिए हम लोग ऊपर आ गए हैं, लेकिन इससे ऊपर देखिए एक खूबसूरत सा मंदिर आपको सजा हुआ दिखेगा। हम लोग उसके नज़दीक चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे है क्या आखिर में। और ये रात्रि का समय है, और ये हमारे मामा जी हैं, और बाकी हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि आखिर है क्या आगे। ये देखिए तारा चंडी का ऊपर का ये परिसर है, यहाँ पर आप वेटिंग रूम जैसा बना हुआ है, ठीक है, मतलब आप चाहे तो यहाँ पर ठहर सकते हैं कुछ देर के लिए, बैठ सकते हैं, पंखा लगा हुआ है ऊपर। और ये एक खूबसूरत सा, पता नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये विश्राम घर होना चाहिए, या फिर कभी लंगर चलाया जाता होगा तो यहाँ पर लंगर चलाने वाला जगह है, एक अच्छा जगह दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि उसी के पर्पज़ से बनाया गया है। क्योंकि मैं जब दिल्ली गया था तो वहाँ पर लंगर चल रहा था, तो वैसे ही जगह पर बनाया गया था, उतना ही बड़ा हॉल जैसा था। और ये सबसे ऊपर का मंदिर हम लोग आ गए, और ये खूबसूरत सजावट मैंने देखा, रंग बिरंगी जो लाइट लगी हुई है, एक तो ऊपर से नज़ारा आपको मैं दिखाऊंगा, बट ये रंग बिरंगी लाइट आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे का नज़ारा देखिए कितना अच्छा खूबसूरत दिख रहा है। और ये ऊपर से आप टॉप व्यू से बॉटम का व्यू देख रहे हैं, टॉप से बॉटम का व्यू सॉरी, तो ये कितना मैं हर तरफ दिखा दे रहा हूँ आपका टॉप से, क्योंकि क्राकट लगा हुआ है तो नीचे नहीं समझ में आ रहा है कि कितने लोग हैं, लेकिन ये टॉप व्यू आप देख सकते हैं ताराचंडी धाम का, जो कि सासाराम में पड़ता है, और जो कि रोहतास जिला कैमूर रोहतास ज़िला में पड़ता है, जो कि कैमूर के बगल में है, और ये बिहार राज्य में पड़ता है। कैमूर में भी इससे सटा हुआ एक मुंडेश्वरी धाम है, जो कि वो सबसे माना जाता है कि भारत में सबसे पुराना मंदिरों में से एक है, तो वहाँ पर विजिट जाए। और ये मंदिर आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर, अब ये मुझे ऐसा लगता है कि ताराचंडी माँ का ही प्रतिमा होना चाहिए, बट मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर मतलब आया तो कई बार हूँ, लेकिन अंदर मतलब घूमने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा इन चीज़ों में बिलीव कम करता हूँ। हालांकि घूमने के मुझे आया हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला है कि मैं घूमूँ, मैं कुछ और पर्पज़ से आया था, तो वो सारी पर्पज़ दो तीन बार आ चुका हूँ, बट घूमने नहीं आया हूँ, घूमने फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो ये आप मंदिर परिसर के अंदर नहीं आया हूँ, बाहर तक मैं दो तीन बार तक आया हूँ। ये अब हम लोग जाते हुए, तो अब हम लोग धीरे धीरे वापस चलने की कोशिश करेंगे, और ये भीड़ उतना ही का उतना ही है, क्योंकि मैंने नवरात्र के टाइम पे यहाँ पे भीड़ थोड़ा ज़्यादा रहता ही है, तो वैसे ही है यहाँ पर सब कुछ, भीड़ ज़्यादा है मतलब जितना होना चाहिए, और दिन में मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा होता है, होता होगा, क्योंकि रात्रि में लोग घूमने जाते हैं, और चूँकि इस समय आज आठवीं है तो लोग काल नौवीं दसवीं एक ही दिन पड़ रहा है, तो आज लोग घूमने इधर उधर जरूर जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद मंगलवार पड़ रहा है, तो उसके बाद भी मतलब आप बोल सकते हैं कि दसवीं बीत भी जाएगा, तो भी ग्यारहवीं को भी शायद दुर्गा पूजा पंडाल्स वहीं मतलब दुर्गा की प्रतिमा रहेंगी, क्योंकि मंगल की विदाई नहीं होती है, तो फिर उसके जस्ट आफ्टर डे विदाई होगी, तो लोग घूमने के लिए निकले हुए होंगे, इसलिए रात्रि में यहाँ पर उतना भीड़ नहीं है एज कम्पेयर टू दिन में। दिन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, आप भीड़ वैसे भी देखते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सजावट यहाँ पर अच्छी कर दी गई है, और खूबसूरत नज़ारा ये ताराचंडी धाम का। और चूँकि मंदिर परिसर के अंदर हम लोग नहीं गए, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा था, लंबा लाइन लगाना था, फिर टाइम बहुत चला जाता, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग बाहर से ही सिर्फ देख के सब चीज़
भीड़ को देख के, तारचंदी धाम की सजावट को देख के हम लोग निकल गए। और ये आप सजावट खुद से भी आप अनुभव कर सकते हैं कि कितना अच्छा सजावट की गई है अभी नवरात्र के समय में। और ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं तारचंदी धाम का। अब हम लोग भी निकलने की कोशिश करते हैं, अब चूँकि हम लोग का भी लास्ट समय है तो हम लोग अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। चूँकि अभी दशहरा का समय चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूल को मारला वगैरह बेचा जा रहा है। ये नीचे से ऊपर का व्यू आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लतरों से सजाया गया, रंग बिरंगी लतरों से। ऐसा लग रहा है कि कितना मतलब खूबसूरत नज़ारा, ये खूबसूरत नज़ारा बिल्कुल है। और आपको ज़रूर ऐसे नज़ारों का अनुभव लेना चाहिए। तो अंततः इसी प्रतिमाओं को आप, ये प्रतिमाएं हैं जो मैंने आपको शुरू में भी दिखाया और